राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या पांडे फ्रॉम कैल्क्यूलस कोचिंग सेंटर न्यू बस स्टैंड पीरो भोजपुर। पिछली वीडियो में मैं आपको क्लास 11 के मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दी। आज के इस वीडियो में 1.2 देखना है, जिसके लिए आपको सबसे पहले कुछ सेट थ्योरी के कुछ टाइप्स आपको समूह का कुछ प्रकार देखना होगा यहाँ, उसके बाद ही एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए अब हम आगे आज के इस वीडियो में उसका कुछ टाइप्स देखते हैं समूची का। देखिए समुच्चयों के प्रकार टाइप ऑफ सेट। तो देखिए पहला होता है परिमित समुच्चय, जिसे हम इंग्लिश में फाइनाइट सेट कहते हैं। तो देखिए जिस समुच्चय के अवयव की संख्या निश्चित हो अर्थात जीत से ठीक ठीक गिना जा सके, वह समुच्च परिमित समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, परिमित समुच्चय वैसा समुच्चय होता है जिसके अवयव को हम ठीक से गिन सकते हैं, ठीक ठीक उसका निश्चित संख्या एक है जिसे हम गिन सकते हैं, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे देख लीजिए वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो हमें ठीक से पता है जो वर्ष में 12 महीने होते हैं एक साल में, जो कि हमें पता है उसे हम ठीक ठीक गिन सकते हैं, उसके अवयव की भी संख्या निश्चित है। तो देखिए यहाँ जैसे दिया है वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो ये परिमित समुच्चय होगा। अब देखिए बी में वर्ग 11 के मेधावी छात्रों का समुच्चय, ये भी परिमित समुच्चय है क्योंकि हमें अपने 11 क्लास में पता है जो कौन से बच्चे मेरे कितने बच्चे होनहार है पढ़ने में तेज है, तो उन्हें उनके बारे में हम ठीक ठीक गिन सकते हैं। तो ये मेरा परिमित समुच्चय हुआ। अब देखिए फॉलो शब्द के अक्षरों का समुच्चय, तो इसके बारे में भी ठीक ठीक हम गिना जा सकता है और इसके अवयव की संख्या निश्चित है। यहाँ देख तो फॉलो, तो इसमें जब भी हम समुच्चय लिखते हैं तो समुच्चय लिखते समय एक बात का ध्यान रखते हैं, कोई भी अक्षर की दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है। तो इसमें पांच अक्षर है क्योंकि ओ दो बार आ जा रहा है, तो ओ को एक ही बार लिखेंगे, आपको पीछे ऐसा बताए थे। उसके बाद देखिए ए बराबर 1 2 3 4 है, तो यहाँ 4 है, तो ये ठीक अवयव की संख्या यहाँ निश्चित है जिसे हम ठीक से गिन सकते हैं, इसमें 4 अवयव मौजूद है। अब कह रहा है ई में 10 से छोटी पूर्ण संख्याओं का संग्रह, तो ये भी परिमित समूह है क्योंकि हमें पता है जो 10 से छोटी पूर्ण संख्या यानी 0 से ना जिसे हम ठीक ठीक गिन सकते हैं, तो यही मेरा परिमित समूह होता है। परिमित समूह आपको याद रखना है जिस समूह के अवयव की संख्या निश्चित हो अर्थात जिसे ठीक ठीक गिना जा सके, उसे हम परिमित समूह कहते हैं। अब आगे दूसरा हम देखते हैं अपरिमित समूह। देखिए आपका दूसरा है अपरिमित समूह, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं इनफिनाइट सेट। तो जिस समूह के अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो अर्थात जिसे ठीक ठीक नहीं गिना जा सके, कौमा, वह समूह अपरिमित समूह कहलाता है। तो अपरिमित समूह हमें याद रखना है जिस समूह के अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती अर्थात जिसे हम ठीक ठीक गिन नहीं सकते हैं, वह अपरिमित समूह कहलाता है। जैसे अब मान लीजिए प्राकृत संख्याओं का समूह, तो देखिए प्राकृत संख्याओं का समूह इसे हम जानते हैं जो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन ये अनंत तक होती है तो हम इसके बारे में ठीक ठीक पता नहीं लगा सकते, इसीलिए प्राकृत संख्याओं का समूह जो होगा वो मेरा अपरिमित समूह अर्थात एक से लेके अनंत तक संख्याओं को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए मेरा प्राकृत संख्या का समूह अपरिमित समूह होगा। अब एक रेखा पे स्थित बिंदुओं का समूह, तो मान लीजिए ये एक मेरा ऐसे रेखा है, तो हम जानते हैं जो एक रेखा पे अनंत बिंदु खींची जा सकती है, एक रेखा पे अनंत बिंदु स्थित होते हैं, तो इसके बारे में भी हम पता ठीक से गिनती नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये जो होगा मेरा एक रेखा पर स्थित बिंदुओं का समूह ये अपरिमित समूह होगा। अब सी में किसी तल में खींचे गए रेखाओं का समूह, मान लीजिए ये मेरा रेखा है, इसके तल में हम अगर रेखा खींच रहे हो तो ऐसे ही खींचेंगे, हम जानते हैं जो रेखा का मोटाई चौड़ाई नहीं होता है सिर्फ लंबाई ही होता है, तो इसके बारे में भी हम कुछ नहीं ठीक से कह सकते हैं अर्थात किसी तल में हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसीलिए किसी तल में खींचे गए रेखाओं का समूह ये भी मेरा अपरिमित समूह कहलाएगा। डी देखिए 5 से बड़ी प्राकृत संख्याओं का समूह, तो 5 से बड़ी प्राकृत संख्या 6 से लेके अनंत तक जिसे हम ठीक ठीक गिन नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ये भी मेरा अपरिमित समूह होगा। अब आगे हम देखते हैं तीसरा समूह। चलिए 3 नंबर देखिए रिक्त समूह, जिसे हम बोलते हैं नल और एम्प्टी और वाइट सेट इंग्लिश में इसको बोलते हैं, और देखिए वैसा समूह जिसमें एक भी अवयव मौजूद नहीं हो रिक्त समूह कहलाता है। तो हमें याद रखना है रिक्त समूह वैसा समूह होता है जिसमें कोई भी अवयव मौजूद ना हो
उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ए में आपका दिया है मध्य कोष्ठक के अंदर एक सच डेट एक पृथ्वी पर मौजूद अमर व्यक्ति है। तो सबसे पहले हम अमर व्यक्ति की बात करते हैं। अमर व्यक्ति का मतलब होता है जो कभी मरे ना, हमेशा अमर रहे, वो अमर व्यक्ति कहलाता है। अमर व्यक्ति जो कभी ना मरे वो अमर व्यक्ति। तो यहाँ देखिए, पृथ्वी पे मनुष्य, सभी मनुष्य का जन्म हुआ है, तो एक ना एक दिन सभी को मरना ही है, यहाँ कोई जीवित नहीं रहेगा। तो इसमें ए में मेरा जो है एक भी अव्यय नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य होंगे तो मरना ही है, तो इसमें एक भी अव्यय मेरा मौजूद नहीं है, इसलिए ए जो है ये मेरा रिक्त समुच्चय होगा। अब देखिए, बी में दिया है वाई सच डेट वाई दो से विभाजित होने वाली एक विषम संख्या है। तो दो से विभाजित होने वाली एक विषम संख्या है, ये रिक्त समुच्चय है, क्योंकि एक भी ऐसी विषम संख्या नहीं है जिस जो दो से विभाजित हो सके, ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं है, तो इसलिए मेरा क्या है बी में एक भी अव्यय नहीं है, इसलिए ये मेरा रिक्त समुच्चय होगा। अब आगे देखते हैं। देखिएगा, एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ मैं एक बात लिखना भूल गई हूँ कि रिक्त समुच्चय को फाई अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। फाई अक्षर द्वारा सूचित करते हैं, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, चार में आपका एकल समुच्चय, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सिंगलेशन सेट और यूनिट सेट और सिंगलेट। तो हमें याद रखना है, एकल समुच्चय वैसा समुच्चय जिसमें एक और केवल एक अव्यय ही मौजूद हो, कॉमा एकल समुच्चय कहलाता है। तो एकल समुच्चय हमें याद रखना है जिसमें केवल एक ही अव्यय मौजूद हो, उसे हम एकल समुच्चय कहेंगे। जैसे देखिए, लिखा हुआ है ए बराबर मंचली कोष्ठक के अंदर एक सच डेट एक्स एक सम अभाज्य संख्या है, तो ये मेरा एकल समुच्चय है, क्योंकि एक ही संख्या वैसी है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सम संख्या तो वो मेरा संख्या दो है, जो कि सम भी है और अभाज्य भी है, और ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन, वैसी संख्या बता, एक ऐसी संख्या बताए जो सम अभाज्य संख्या है, जो कि दो होती है, तो दो मेरा सम अभाज्य संख्या है। सम यानी जो दो से पूरी तरह विभाजित हो, और अभाज्य जो एक और स्वयं को छोड़ के, जीरो और स्वयं को छोड़ के, सॉरी एक और स्वयं को छोड़ के किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हो, उसे हम सम अभाज्य संख्या। अर्थात यहाँ ए में केवल एक ही अव्यय है, इसलिए ये मेरा एकल समुच्चय कहलाएगा। अब चलिए आगे पांच नंबर देखते हैं। देखिए, आपका पांच में युग्म समुच्चय, पेयर सेट इसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो वैसा समुच्चय जिसमें केवल दो अव्यय मौजूद हो, युग्म समुच्चय कहलाता है। तो हमें याद रखना है, युग्म समुच्चय पेयर यानी जो पेयर को जोड़ा करते हैं हिंदी में, तो जिसमें दो अव्यय मौजूद, केवल जिसमें दो अव्यय मौजूद होगा, उसे हम युग्म समुच्चय कहेंगे। जैसे देखिए, यहाँ दिया ए बराबर मंचली कोष्ठक के अंदर 3.4, तो ए में हम देख रहे हैं जो इसमें केवल दो ही अव्यय मौजूद है, एक 3 है और एक 4 है, तो ये मेरा युग्म समुच्चय कहलाएगा। अब देखिए, बी में आपका दिया है मंचली कोष्ठक के अंदर P.Q, तो हम देख रहे हैं बी में जो है सिर्फ दो ही अक्षर मौजूद है, पी और क्यू, तो ये मेरा युग्म समुच्चय कहलाएगा, यानी प्योर सेट। अब सी में देखिए, दिया एक सच डेट एक्स कोमा एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो अब ये भी मेरा जो है युग्म समुच्चय है। देखिए कैसे हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं ना, मंजली कोष्टक के अंदर एक्स सच डेट एक्स एक्स ये स्क्वायर बराबर के बाई ओर पावर में है, तो बराबर के दाई ओर ये स्क्वायर जो रहता है रूट में हो जाता है, तो लिख सकते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस रूट ओवर 25, तो लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स एक्स बराबर प्लस माइनस 5, क्योंकि रूट 25 का वर्गमूल 5। तो अब देखिए, बराबर ये हो जाएगा मेरा एक्स सच डेट एक्स एक्स बराबर माइनस 5.5। तो देखिए यहाँ ध्यान से, सी में मेरा कितना अव्यय मौजूद है, दो अव्यय मौजूद है, एक दो अव्यय मौजूद है, एक माइनस 5 और एक 5, तो ये मेरा कैसा हुआ, युग्म समुच्चय हुआ। अब आगे हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, 1.2 का क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो रिक्त समुच्चय के बारे में अभी मैं आपको थ्योरी लिखवाई, परिभाषा दी हूँ, जो रिक्त समुच्चय वैसा समुच्चय जिसमें कोई भी अव्यय मौजूद ना हो। तो हमें इस क्वेश्चन में देख के बताना है, जो कि दिया है पहला का पहला, दो से भाजित विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ये रिक्त समुच्चय होगा या नहीं होगा। तो देखिए, कह रहा है पहला, दो से भाज्य यानी विभाजित,
विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो विषम प्राकृत संख्या, वैसी कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो कि दो से भाज्य हो, दो से विभाजित हो। तो इसमें अब जब ये दो से पूरी तरह दो से विभाजित है ही नहीं विषम प्राकृत संख्या, तो ये इसमें मेरा एक भी अव्यय मौजूद नहीं है, और जिसमें एक भी अव्यय मौजूद ना हो जिस समुच में, उस समुच को हम रिक्त समुच कहते हैं। ये मेरा रिक्त समुच का उदाहरण होगा। तो लिखेंगे यहां हम आंसर में, देखिए यहाँ जो मैं आपसे बोली वही आंसर में लिख दी हूँ, यह एक रिक्त समुच नहीं है क्योंकि ऐसी कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो दो से भाज्य हो, अर्थात दिए गए समुच में एक भी अव्यय मौजूद नहीं है। अब हम दूसरा देखते हैं, पहला का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है सम अभाज्य संख्याओं का समुच, सम सॉरी बाबू यहाँ पहला जो क्वेश्चन है ये तो रिक्त समुच है, यहाँ गलती से नहीं लिखा गया है, यह एक रिक्त समुच है क्योंकि ऐसी कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो दो से भाज्य हो, अर्थात दिए गए समुच में एक भी अव्यय मौजूद नहीं है, इसमें जो एक भी अव्यय मौजूद नहीं है यानी ये रिक्त समुच है। देखिए दूसरा है आपका सम अभाज्य संख्याओं का समुच। तो सबसे पहले हम सम और अभाज्य के बारे में देखते हैं। सम तो सम संख्या, वैसे संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ के किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हो उसे सम, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मेरे पास एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, वो दो है। दो एक ऐसी संख्या है जो कि सम भी होती है और अभाज्य भी है। तो यहां देखिए सम अभाज्य संख्याओं का समुच, तो इसमें मेरा एक अव्यय मौजूद है, इसमें मेरा एक अव्यय मौजूद है जो कि दो है। तो जिसमें एक अव्यय मौजूद हो वो एकल समुच कहलाता है, और यहाँ कह रहा है रिक्त समुच है या नहीं, तो ये मेरा रिक्त समुच नहीं हो सकता है। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं यह एक रिक्त समुच नहीं है। देखिए दो का आंसर जो बोले वही लिख दिए, यह एक रिक्त समुच नहीं है क्योंकि दो एक ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है, अर्थात दिए गए समुच में एक अव्यय मौजूद है, तो ये मेरा रिक्त समुच नहीं होगा। अब आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राकृत संख्या है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, मंजली कोष्ठक के अंदर दिया है x such that x एक प्राकृत संख्या है कॉमा x is less than 5 और साथ ही साथ x is greater than 7, यानी यहाँ कहने का मतलब हुआ x एक प्राकृत संख्या है जो साथ एक ही साथ 5 से छोटी भी है और 7 से बड़ा भी है। तो हम जानते हैं कि वैसा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो एक साथ छोटा हो जाए और बड़ा हो जाए। मान लिए यहाँ देखिए सॉरी ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो एक ही साथ 5 से छोटी हो जाए और 7 से बड़ी। और जैसे हम मान यहाँ देखते हैं 5 से छोटी प्राकृत संख्या 4, तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या 4 तो है, हो सकता है, लेकिन क्या वो 7 से बड़ी हो सकता है, 7 से बड़ा हो सकता है? नहीं। तो वैसे ही जस्ट अपोजिट हम मान लिए एक 7 से बड़ी प्राकृत संख्या 8, तो 7 से बड़ी प्राकृत संख्या 8 हो सकता है, लेकिन क्या ये मेरा 5 से बड़ा हो सकता है, सॉरी छोटा हो सकता है? नहीं। तो ऐसे ही समझना है। तो इसमें अब मेरा एक भी देखने से लग रहा है जो इसमें अब मेरा एक भी अव्यय मौजूद नहीं है क्योंकि ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जो एक साथ बड़ा और छोटा हो सके। तो इसलिए अर्थात एक साथ 5 से छोटा या 7 से बड़ा हो सके ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। देखिए यहाँ जो बोले वही लिख दिए, यह एक रिक्त समुच है क्योंकि जो प्राकृत संख्या 5 से छोटी होगी वह 7 से बड़ी नहीं हो सकती, अर्थात दिए गए समुच में एक भी अव्यय मौजूद नहीं है, और जब एक भी अव्यय नहीं है यानी ये रिक्त समुच होगा। अब आगे इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन मंजरी कोष्ठक के अंदर दिया है y such that y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ये असंभव है, देखिए कैसे, देखिए यहाँ ये दो समांतर रेखा है तो इनके बीच की दूरी, समांतर रेखा के बीच की दूरी हर जगह समान होती है,
लेकिन ये अर्थात ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। और ये जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे, यानी प्रतिच्छेद यानी एक दूसरे को जब तक ये काटेंगे नहीं, तो उभयनिष्ठ बिंदु कैसे बनेगा? ये अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते तब ना मेरा उभयनिष्ठ बिंदु बनता, और यहाँ ये ऐसा है ही नहीं, तो यहाँ मेरा एक भी उभयनिष्ठ बिंदु शामिल नहीं है, ये असंभव है। तो इसमें एक भी अव्यय मौजूद नहीं होगा, और जिसमें एक भी अव्यय मौजूद ना हो वो रिक्त समुच्चय कहलाता है, ये रिक्त समुच्चय है। तो चलिए अब हम आगे लिखते हैं, देखिए जो बोले वह आंसर में लिख दिए, यह एक रिक्त समुच्चय है क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होती है, जिसके कारण वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, और जब तक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है तब तक उभयनिष्ठ बिंदु का कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात दिए गए समुच्चय में एक भी अव्यय मौजूद नहीं है। आपका पहला का ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, यही बताना है। तो पहले हम देखते हैं परिमित समुच्चय, जो कि आपको हम पीछे लिखवाए हैं, परिमित समुच्चय वैसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, अर्थात जिसे ठीक ठीक हम गिन सकते हैं, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। और अपरिमित समुच्चय के बारे में अभी जस्ट आपको लिखवाए थे, अपरिमित समुच्चय वैसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, अर्थात जिसे हम ठीक ठीक नहीं गिन सकते हैं, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, दूसरा का ये वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय ये परिमित समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें हम जानते हैं वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है और इसे ठीक ठीक गिना जा सकता है। तो आइए अब इसका आंसर हम लिखते हैं, देखिए जो बोले वही यहाँ लिख दिया आंसर में, यह एक परिमित समुच्चय है क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जो एक निश्चित संख्या है। अब बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बी नंबर क्वेश्चन है आपका, मजली कोष्ठक के अंदर दिया है 1, 2, 3, ।, यानी अनंत, तो ये जो है मेरा अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि ये अनंतक है, और अनंतक है यानी हम इसकी अनंतक हम संख्या को गिन ठीक ठीक गिन नहीं सकते हैं, और जब इसे हम ठीक ठीक नहीं गिन सकते हैं तो ये अनिश्चित संख्या है, और जब ये अनिश्चित हो गया तो ये अपरिमित समुच्चय होगा। तो अब हम लिखते हैं यह एक अपरिमित समुच्चय है, देखिए इसका आंसर जो बोले वही लिख दिए, यह एक अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें अनंत अव्यय है, जो एक अनिश्चित संख्या है। अब सी नंबर देखते हैं आगे, सी नंबर क्वेश्चन देखिए, मजली कोष्ठक के अंदर दिया है 1, 2, 3, 99, 100, अर्थात इसमें 1 से लेकर 100 तक संख्या शामिल है, इसकी संख्या निश्चित है, जिसे हम ठीक ठीक गिन सकते हैं, तो ये मेरा परिमित समुच्चय होगा। तो लिखेंगे यह एक परिमित समुच्चय है, देखिए सी नंबर आंसर लिख दिए, यह एक परिमित समुच्चय है क्योंकि दिए गए समुच्चय में 1 से 100 तक की संख्याएं शामिल है, जिसकी संख्या निश्चित है। अब आगे देखते हैं डी नंबर, डी में देखिए आपका है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये अपरिमित समुच्चय होगा क्योंकि 100 से बड़े धन पूर्णांक यानी 101 से लेकर अनंत तक, तो जिसकी संख्या को हम ठीक ठीक गिन नहीं सकते, यानी धन पूर्णांक को हम ठीक ठीक गिन नहीं सकते हैं, तो ये मेरा अपरिमित समुच्चय होगा। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि यह एक अपरिमित समुच्चय है, देखिए डी का आंसर लिख दिए, यह एक अपरिमित समुच्चय है क्योंकि दिए गए समुच्चय में 101 से अनंत तक धन पूर्णांक शामिल है, जिसकी संख्या अनिश्चित है। अब ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ई में आपका 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये मेरा परिमित समुच्चय है क्योंकि 1 से लेकर 99 तक के बीच मौजूद जितनी भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य पूर्णांक संख्या, उसे हम ठीक ठीक गिन सकते हैं, और जिसे हम ठीक ठीक गिन सकते हैं वो परिमित समुच्चय कहलाता है, तो ये मेरा परिमित समुच्चय होगा। तो लिखेंगे यह, देखिए इसका आंसर लिख दिए, यह एक परिमित समुच्चय है क्योंकि दिए गए समुच्चय में 1 से 99 के बीच मौजूद अभाज्य संख्या शामिल है, जिसकी संख्या निश्चित है। आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब लेकिन जाते जाते मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगी, हमारे द्वारा जितने भी वीडियोज दिखाए गए पढ़ाए गए हैं, आप अगर उनका नोट्स पाना चाहते हैं और आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल जो कि यूट्यूब पे चैनल है पीरो कैटलिन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और आप हमारे द्वारा जितने भी अब तक वीडियोस दिखाए गए हैं, अगर आप उसका नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर जो कि नंबर है 95 76 80 93 90 इस पर कॉल करें और हमसे संपर्क करें, हम आपके घर तक अच्छे कम से कम दाम में नोट्स पहुंचाएंगे। और आपको अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोज में कोई भी त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमें कमेंट करें, हम आपके त्रुटि को दूर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे।